हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि बिटिक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये 4 कली का पेटीकोट एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हम निकालेंगे इसमें से बेल्ट के लिए कपड़ा। तो ये बेल्ट की विड्थ होगी हमारे, हम ले रहे हैं 4 उंगली यानी कि 1 चावा। अगर आप लोग इंची टेप से नापना चाहते हैं तो ये होगा 3 इंच का। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये पेटीकोट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो ये हमारी बेल्ट निकल गई है। तो अब हम इसमें से जहाँ से हमारे कपड़े की लेंथ है वहाँ से हम निकालेंगे डोरी के लिए कपड़ा। तो डोरी के लिए हम 1 इंच जितना निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कट करेंगे और इसे इस तरह से घींच के फाड़ देंगे, क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है, ये आसानी से फट जाता है और सीधा जाता है। तो ये हमारे डोरी के लिए कपड़ा निकल गया है। तो ये हमने जो घींचा हुआ है वहाँ से मुड़ गया है। तो इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम पूरे कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 2 फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से त्रिकोण में फोल्ड करेंगे। तो ये त्रिकोण फोल्ड हो गया है। तो अब हमें यहाँ से चाहिए 1 बीता और 4 उंगली जितना कपड़ा। तो हमारा एक्स्ट्रा है, उसे हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो ये मीडियम साइज की जो पेटीकोट है, जो कि सभी में इतना पेटीकोट आसानी से हो जाता है। तो इस तरफ भी हमें 1 बीत और 4 उंगली चाहिए। अगर इंची टेप से नाप रहे हैं तो 11.5 इंच आ रहा है। तो इस साइड से भी हमें चाहिए 11.5 इंच। अब जो ये जो तिरछा कपड़ा है वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फोल्डेड साइड भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी 4 कली कट के तैयार हो गई है। ये है हमारा बेल्ट और ये है हमारी रस्सी। तो पेटीकोट पूरा कट गया है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम 1 कली को लेंगे और उसके ऊपर 2 कली जोड़ने के लिए हमें 1 कली लेना है सीधी तरफ से और 1 कली लेना है तिरछी तरफ से, यानी यूरेप, जैसे उरेप कट हुआ है उसे तिरछा बोलते हैं। तिरछी कली को हम उरेप बोलते हैं, उस तरह से। तो ये हमारी स्टिच हो गई है कली। तो यहाँ से ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, तो जो उरेप कली है वो इतना एक्स्ट्रा बचेगा ही। तो इसी तरह से हम 2 कली भी ज्वाइंट करेंगे। तो एक तरफ सीधी कली और एक तरफ उरेप कली, इस तरह से हम स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम सभी कली को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारी सभी चारों 4 कली ज्वाइंट हो गई है। तो देखिए, जो कली उरेप तरह साइड की है वो चारों के चार इतना थोड़ी सी बड़ी होके आएगी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ हमें जहाँ बेल्ट लगाना है वहाँ से हम 3 इंच जितना इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से इस तरह 3 इंच जितना फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये हमारी फोल्ड हो गई है, स्टिच भी हो गया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट लगाने से पहले हम देखेंगे जो हमारी 4 कली है, तो 4 कली में हमें एक एक प्लेट लगाना है इस तरह से, ताकि बेल्ट के बराबर हमारी कमर की लेंथ भी हो जाएगी और जिसका पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है उससे परफेक्ट फिनिशिंग रहता है, जिससे कोई दबता उबता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे उल्टी साइड में बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो ये उल्टी साइड हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। तब इसे हम सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। तो पहले हम करेंगे हाफ फोल्ड, उसके बाद इस तरह से पूरा फोल्ड, जो हमारी सिलाई की लाइन है उसे अंदर कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर डबल स्टिच लगाएंगे। पहले एक स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद 1/4 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक और स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट लग गई है। तो ये देखिए, हमने डबल स्टिच लगा लिया है। कितनी परफेक्ट और सही तरीके से हमारी बेल्ट लग गई है।
तो अब हम जो हमारा दोनों पार्ट बाकी है उसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमने 3 इंच का इसमें मोड़ के स्टिच लगाया है उतना छोड़ देना है, उसके बाद से यहाँ पे स्टिच लगा के और ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमारी ज्वाइंट हो गई है, ये हमारी हाफ पेटीकोट सिल के तैयार है। तो अब हम देखेंगे नीचे हमारी जो मोहरी की तरफ। तो मोहरी हमें सिलने से पहले हमारी जो कली एक्स्ट्रा होके आई है उसे हम कट करेंगे इस तरह से। तो अब हम दूसरी कली का भी ऐसे सिलाई का धागा पकड़ के और इस तरह से बराबर करेंगे, उसके बाद जितना हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता है उतना हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से मोहरी फोल्ड करेंगे। तो हमें मोहरी को 1 इंच जितना फोल्ड करके और चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारी 1 इंच जितना मोहरी फोल्ड हो गई है, मोहरी में भी हमने डबल सिलाई लगाई है। तो ये देखिए हमारा पूरा पेटीकोट बनके तैयार है ना, पेटीकोट बनाना सिंपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना सिंपल तरीके से आपने कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये देखिए हमने अब डोरी भी डाल ली है पेटीकोट में। तो ये हमारा पूरा पेटीकोट परफेक्ट है। तो वीडियो को लाइक शेयर और